जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने शनिवार को पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर निशाना बनाया। सोपोर में आतंकियों ने टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 2 नागरिक की भी मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने फेरबदल की अटकलें हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। इसके बाद इन अटकलों को बल मिला है। दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर बयान दिया है। उनके कथित ऑडियो में वह बोल रहे हैं कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ब्लैक फंगस की 2 दवाओं टोसिलीमैब और एम्फोटेरिसिन पर से जीएसटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भी ये भी कहा कि अब रेमडेसिविर पर 5% जीएसटी लगाई जाएगी। पहले इस दवा पर 12% जीएसटी ली जा रही थी। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज्य में होने वाले कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में 20 सीटों पर बीएसपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी के बचे 97 सीटों पर अकाली दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के बाद मायावती ने कहा कि यह गठबंधन राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास के लिए नए युग की शुरुआत करेगा।